वो वृंदावन में एक प्रसिद्ध संत हुए, श्री माधव दास जी महाराज। ऐसे परम भागवत संत लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाया करेंगे। और इसी भाव में रहते बहुत परम भागवत संत। और अब देखो भाई, भूख तो सबको लगती है, हम आपको सभी को, तो जब थोड़ी भूख लगती तो कहीं से भी कुछ, एक मिट्टी का पात्र बना लिया उन्होंने जिसका नाम था करवा। तो वो मिट्टी के पात्र करवा को लेकर जाते, बड़े बड़े मंदिरों में संतों की पंगति होती थी, तो जब संत लोग प्रसाद पा लेते, पत्तले फेंक दी जाती, तो माधव दास जी पहुंचते और एक एक दाना इकट्ठा करते। किसी पत्तल से एक दाना मिल गया, किसी से दो दाने मिल गए, बस यही नित्य नियम, उसी प्रसाद पाते। और एक नियम और था कि भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद अवश्य लगाते। आप बताइए, संतों की जूठनी का प्रसाद भगवान को लगाते। क्या कहना, ऐसे परम भागवत संत एक दिन कीर्तन में राधे 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 इतने मग्न हो गए, इतने मग्न कि यही सुधि भूल गए कि हमें भोजन भी करना है। लेकिन जब थोड़ी भूख लगी, बहुत समय हो चुका था, लेकिन जल्दी जल्दी से गए करवा अपने मिट्टी के पात्र को लेकर। और इसके बाद जल्दी जल्दी शीत प्रसाद इकट्ठा किया, और लेकिन आज भगवान को भोग लगाना भूल गए। और एक ग्रास जैसे ही मुंह में रखा, याद आ गई भगवान को भोग नहीं लगाया। अच्छा, भूले ही रहते तो ठीक था, लेकिन याद आ गई। अब सोचते हैं कि भगवान को भोग नहीं लगा तो ये उगल देते हैं, उगल देंगे फिर भगवान को प्रसाद लगाएंगे। तभी मन में दूसरा विचार आ गया कि अगर उगलेंगे तो संतों की शीत प्रसादी का अपमान होगा, ये भी सही नहीं है। करें तो करें क्या, अब ना तो निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं। ऐसी गति हो गई। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिना जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में ना जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिना जात गिरायो।
संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिना जात गिरायो लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो संतन को काह कहो यह सोच न पायो काहो कहो यह सोच न पायो सांप और छछूदर जैसी गति हो गई जैसे सांप किसी छछूदर को निगल ले मुंह में रखते ही पता चले यह तो छछूदर है। अब तो सांप अगर छछूदर को निगलेगा तो उसका पेट बड़ा होगा वो फट जाएगा पेट ही फट जाएगा और उगलेगा तो प्रकृति का नियम है कि अगर सांप छछूदर को उगलता है तत्काल अंधा हो जाता है। अब तो सांप ना निगल सकता है ना उगल सकता है ऐसी गति हो गई भई गति सांप छछूदर की काह कहो यह सोच न पायो बीत गयो वह बार बिनीत बीत गयो बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिना जात गिरायो संतन को संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। कहते हैं कि इस संतों का जो शीत प्रसाद है इस संतों की शीत प्रसादी ये उगल भी नहीं सकते निगल भी नहीं सकते। अब आप बताइए कि माधव दास जी के पास कोई आए भैया क्या हो गया तो अच्छा मुंह में ग्रास है तो कुछ बोल भी नहीं सकते किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता जहां मैं हूं फरिश्तों से भी वहां जाया नहीं जाता मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं यह वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं दिन भर रोते रहे रात भर एक लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता ताकत पर जो इतराए वह शेर नहीं होता दरबारे इलाही से मायूस ना हो बंदे यहाँ देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता रात भर रोते रहे। अगला दिन आ गया गई रजनी दिन दूसरो आयो
कहें तो किससे कहें, जाएं तो जहां का कहां जाएं। भगवान माधव दास जी की भक्ति देखकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान बोले, माधव दास जी अब हम कह रहे हैं आप कौर को निगल लीजिए। माधवदास जी बोले, हे भगवान आप कहें तो कहें लेकिन बिना आपको भोग लगाए कैसे हम निगल सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि काम करिए माधवदास जी, आप फिर उगल दीजिए, हम आपका ये प्रसाद पा लेते हैं, फिर आप पा लेना। माधवदास जी ने कहा, प्रभु आपको अपना जूठा कैसे खिलाऊं, अपना जूठा और आपको खिलाऊं। भगवान बोले, अरे कैसे आदमी हो, इतने दिनों इतने लोगों का जूठा खिलाते रहे और आज अपना भी खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कितने संतों का जूठा खिलाते रहे, आज अपना ही खिला दोगे। लेकिन माधवदास जी ने सोचा कि अगर भगवान को जूठा खिलाना है इससे अच्छा निगल ही जावे। अब भगवान कहें उगलो, माधवदास जी कहें नहीं नहीं हम नहीं उगलेंगे, तो छीना झपटी करने लगे भगवान। और इस लड़ाई में माधवदास जी कौर निगल तो लिए लेकिन कुछ तृण कुछ चावल शेष रह गए, धरती पर गिर गए। तो माधव मगन भय मन में जब माधव ने समझायो, माधव मगन भय मन में जब माधव ने समझायो, और शीत गिरयो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति।